जनपद के 9 विधानसभा में 4 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक विभिन्न दलों के कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 4 फरवरी से नामांकन प्रारंभ हुआ है तथा जो प्रत्याशी तथा एजेंट नामांकन पत्रक जो ले गए तथा जिसके नाम से ले जाया गया है, इसमें 4 फरवरी को 73 फार्म, 5 फरवरी को 54 फार्म तथा 7 फरवरी को 41 फार्म तथा अब तक 168 फार्म संभावित प्रत्याशी तथा उनके एजेंट द्वारा फार्म ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं तथा 5 फरवरी को 5 नामांकन प्राप्त हुए हैं और 7 फरवरी को 11 नामांकन प्राप्त हो गए। इस प्रकार कुल 18 नामांकन अभी तक दाखिल किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और हमारे जनपद में 4 फरवरी से नामांकन प्रारंभ हुआ है। 4 फरवरी को जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो नामांकन प्रपत्र ले गए या जिनके नाम से ले जाया गया, 4 फरवरी को कुल 73 लोगों ने, 5 फरवरी को 54 लोगों ने और 7 फरवरी को 41 अर्थात अब तक कुल 168 संभावित प्रत्याशियों या उनके एजेंट के द्वारा फॉर्म ले जाया जा चुका है। नामांकन प्रपत्र हमारे यहाँ नामांकन की जो स्थिति है वो इस प्रकार है, 4 फरवरी को मात्र 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं, 5 फरवरी को 5 नामांकन प्राप्त हुए हैं और 7 फरवरी को 11 नामांकन। इस प्रकार कुल 18 नामांकन अब तक दाखिल किए गए हैं।